मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है। मैं 2008 से लेकर 2013 तक मैं MPA था, मुस्लिम काफ की टिकट पे मैं इलेक्ट हुआ था। फिर 2013 में 2014 तक फिर मैं आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की टिकट पर फिर इंतखाबात में मैं इलेक्ट हुआ था। लेकिन कोई एक साल बाद पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार हुसैन ने अदालत चले गए और अदालत के हुक्म के मुजिब 7 पोलिंग स्टेशन में दोबारा पोलिंग हो गई और मैं कोई 100 से कम वोटों से मैं हार गया। मेरी पहले से पॉलिसी यही रही है कि मैं एजुकेशन में ज़्यादातर काम करूँ। अब मैं पीपल्स पार्टी में शामिल हो गया और पीपल्स पार्टी ने मुझे PK1 के लिए उम्मीदवार ठहराया हुआ है और मैं उम्मीद रखता हूं और मेरे ये विजन है कि मैं एजुकेशन में सबसे ज़्यादा काम करूं। इसी हिसाब से मैं हर सब तहसील में इंशाअल्लाह ताला मेरी अगर गवर्नमेंट आ गई तो मैं सब तहसील में एक एक डिग्री कॉलेज बनाऊंगा और जहां मैं इस मकसद को लेके आगे जाना चाहता हूं, मैं सारी कौम को ये बताना चाहता हूं कि मैं एजुकेशन खासकर मैं एजुकेशन सेक्टर में काम करूँगा क्योंकि मेरे बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं। मैं खुद इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन मेरा शौक़ है कि चित्राल में हर सब तहसील के ऊपर एक डिग्री कॉलेज बने। इंशाअल्लाह ताला ये काम करके दिखाऊँगा।